हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि और आज मैं कमलेश नर्सरी पहुंच गई। तो ये वैशाली सेक्टर 1 में है। एड्रेस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और फ़ोन नंबर भी दे दूंगी। अगर एड्रेस का कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो बहुत सुंदर नर्सरी है, मैंने लाइव में और शॉर्ट वीडियो में आपने मैंने दिखाया ही हुआ है। बहुत बड़ी नर्सरी है और सबसे बड़ी बात कि अस्थाई नर्सरी है। बार बार इनको बाढ़ से या तोड़ फोड़ से ये सारी चीज़ें इन्हें नहीं झेलना पड़ेगा। तो अभी सेट कर ही रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे तो पूरी तरह से प्लांट रख ही दिए हैं और अभी कुछ ये पुणे वाली सैपलिंग वगैरह भी लेके आए हैं और कुछ दिन बाद बरेली वाली भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट भी आ जाएगी पूरे फूलों के साथ। तो बहुत खूबसूरत कलेक्शन आया है, विंटर के भी बहुत सारे प्लांट आ गए हैं। तो अभी टाइम है उनके छोटे छोटे बेबी प्लांट यानी सैपलिंग लगाने के। तो बहुत सारा कलेक्शन है तो मैं एक एक करके शेयर करूँगी। इसके बाद मैं फ्लावरिंग प्लांट शेयर करूँगी जो कि आप इस टाइम लगा लीजिएगा, क्योंकि मौसम इतना अच्छा इस टाइम हो रहा है कि जो आपके विश लिस्ट के प्लांट हैं इस टाइम आप लगा सकते हैं। तो आइए देखिए प्लांट की क्या प्राइस है और कौन कौन से प्लांट उनके यहाँ आए हैं। और ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये गुलदाउदी के ये सैपलिंग है और ये छोटे ड्वार्फ वाली वेराइटी है और इसमें बहुत सारे कलर हैं। बता रहे थे कि 3-4 कलर है इसमें, तो जब तक फ्लावर नहीं आएंगे पता नहीं चलेगा। और ये आपको 15 रुपये यानी 15 रुपीज़ में ये मिल जाएंगे। जो इसकी सैपलिंग है बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी है, देख ही सकते हैं। तो अभी टाइम है इन सब सैपलिंगों को लगाने का, क्योंकि कब बड़े होंगे, कब इनकी पिंचिंग कीजिएगा, कब ये फूल देंगे, तो अभी लगा ले अच्छा ये है। और कहा जाए तो परमानेंट प्लांट है, एक बार ले जाइएगा तो दोबारा इस कलर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मदर प्लांट से ही बहुत सारे कटिंग आप बालू या मिट्टी में लगा सकते हैं, तो कटिंग हो या सैपलिंग हो इस टाइम आप लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये इनके पास जो वेजिटेबल्स और विंटर फ्लावरिंग प्लांट की जितने भी ये सैपलिंग है ये आपको 10-10 रुपीज़ में मिल जाएंगे, जिसमें से वेजिटेबल्स में बैंगन के हैं और मिर्ची, टमाटर, ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी वगैरह है। क्या ये ब्रोकली है? और फ्लावरिंग प्लांट में आप डैंथस हुआ, पिटूनिया, बर्मीना, साल्विया और मैरीगोल्ड जाफरी वाला है और जो बड़ा जो येलो कलर के गेंदा आता है वो भी इसमें है। तो ये सारे 10-10 रुपीज़ में है। मैरीगोल्ड की जो सैपलिंग है वो बहुत हेल्दी है। और इसके अलावा साल्विया वगैरह, इसके अलावा पपीता का वो आपको 20 रुपीज़ में मिलेगा, उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो पपीता भी लगाना चाहिए, मेडिसिनल प्लांट है, ऐसा नहीं है कि फ्रूट प्लांट उसकी पत्तियां भी यूज में आती है। तो बहुत सारा देख सकते हैं, बहुत सारा सैपलिंग ट्रे है। और इधर देखिए लोटस, ये जिससे इन्होंने ख़रीदा है ये जगह, वो उसकी पहले नर्सरी थी जो कमलेश ने खरीद ली, क्या रेंट पर इन्होंने लिए रखा है। और इसमें कमल लगा हुआ है तो बता रहे थे कि कुछ दिन में ये कमल का प्लांट, अभी तो नहीं सेल करेंगे, कुछ दिन में तैयार करेंगे। दो तरह की वैरायटी है। इसके अलावा ये पुणे से वाटर लिली और लोटस भी लेके आए हैं जो कि अब अलग अलग करके लगाने के बाद सेल करेंगे, अभी नहीं, आगे मैं दिखा दूँगी क्या 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 कितने कलर के हैं। और ब्लू डेज है इधर, ये 150 में है, बास्केट में लगा हुआ है, छोटे से 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो ब्लू डेज बहुत लोग का बहुत ही पसंद है, ये मांगते रहते हैं। और इधर ये विंग बिगोनिया है, 250, ये शायद 300 में है और ये 250 में है। क्रिसमस कैक्टस है और बोन फिश कैक्टस है जो कि हैंगिंग बास्केट में फूल भरा हुआ। इधर 50 रुपीज़ में बहुत सारे प्लांट ले जा सकते हैं। सिंगोनियम की जितनी वेराइटी है 50 रुपीज़ में अच्छा ग्रोथ है, पूरा भरा हुआ प्लांट है। और एरेलिया वगैरह वगैरह है। और इधर देखिए
इधर ये गुलदाबदी है जो मैंने 15 रुपीज़ में सैपलिंग दिखाई थी उसी की ये वेराइटी है। ये बड़े पॉट में लगा हुआ है और कलर 3-4 कलर है इसमें, देख ही सकते हैं फूलों से भरा हुआ है। 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है ये, आपको 150 में मिल जाएगा। तो काफ़ी हेल्दी प्लांट है और अभी खिलने के लिए देखिए तैयार हो गया है। हम लोग अभी कटिंग ही लगा रहे हैं और ये पूरा खिला पूरा भरा हुआ प्लांट आ भी गया है। अभी अभी ये बरेली से और भी फ्लावरिंग प्लांट लेके आएंगे विंटर के, तो वो भी मैं शेयर करूँगी जब भी आएगा। इधर कालनचोई देख ही सकते हैं हाइब्रिड वाले, सारे कलर हैं इसमें, पिंक येलो रेड ऑरेंज, और ये आपको 150 में है, 150-200 ऐसे कुछ है, मुझे अभी मैं दाम भूल गई हूँ। तो आप ले जा सकते हैं, काफ़ी हेल्दी प्लांट है, 3-4 प्लांट लगे हुए हैं। रोज़ की काफ़ी अच्छी वेराइटी आई हुई है। तो ये 80 रुपीज़ में है पॉली बैग वाला, और पॉट वाला 150 में है। और ये सारे पुणे वाली जो वेराइटी आई है ये रेड सॉइल में है। कलर आपको कलर ऑप्शन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ये अभी 2-3 दिन ही हुआ इनके आए हुए, तो थोड़ा सेट हो रहे हैं। और ये देखिए ये बहुत खूबसूरत बीजों से लगने वाला हिबिस्कस है। तो ये मैं लेने के लिए सोच रही थी बट ये दाम बहुत 400 बता रहे थे, ऐसे बोले थे 300 तक 350 तक ऐसे दे देंगे। तो देखें अगर मुझे हुआ तो मैं ले जाऊंगी, इसमें बीज बनते हैं और बीजों से बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। और ये कुछ इनके कलाडियम की वेराइटी है जो कि 250 में है, 5-6 कलर हैं, तो बहुत खूबसूरत है, बल्ब से लगने वाला प्लांट है, पानी कम दीजिएगा। और ये सारे कोकोपीट में लगे हुए हैं, देख ही सकते हैं बहुत सारे कलर हैं। ये भी देखिए कितना खूबसूरत कलर है, कम शेड में चलने वाला, जगह धूप में चलने वाला प्लांट है, यानी आपके पास कम धूप आती है तो कलाडियम लगा सकते हैं, लेकिन धूप चाहिए, 1 घंटे की भी धूप इसको चाहिए, छन की धूप चाहिए, नहीं तो इसकी जो पत्तियों की वेरिगेशन है वो ख़राब हो जाएगी, गल के मर जाते हैं। और ये फिलोडेंड्रॉन की वेराइटी है, ये 400 में है, काफ़ी खूबसूरत है, देख ही सकते हैं। और ये सारे कोकोपीट में लगे हुए हैं। और इंडोर प्लांट का तो काफ़ी कलेक्शन आया हुआ है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फ्लावरिंग प्लांट, इंडोर प्लांट, पॉट फर्टिलाइज़र वगैरह हैं शेयर कर दूँगी। और कुछ ये कलेथिया की है, कुछ ड्रेसना की वेराइटी है, पीस लिली है, पीस लिली 150 में है, और कलेथिया के भी अच्छे कलेक्शन है। तो कुछ छोटे प्लांट भी कलेथिया के आए हैं कम दाम में, वर्किन है, वर्किन ये 200 में है, तो ये भी बहुत खूबसूरत है। और रबर प्लांट है ये भी 150 में है, फेडल प्लांट है, ये सब 150 में है, तो बहुत खूबसूरत है कलेक्शन है इनके पास इंडोर प्लांट का। तो बहुत सारा ये दिखा रहे थे कि इन्होंने कुछ बता रहे थे कि कुछ ये प्लांट कम दाम कम कर दिए हैं, लेकिन जब इन्होंने दाम बताया तो कब मुझे कुछ नहीं लगे खराब हो। ये सारे कलथिया की वैरायटी 400 में थे, कुछ 250 में थे। तो छोटे वाले प्लांट मैं आगे शेयर कर दूंगी, 250 में आए हैं, और ये 250 में है, 200 में ऐसे 250 में है ये रबर प्लांट, सॉरी ये ब्लैक जेजे प्लांट। तो और ये सारे 400 वाले हैं कलथिया की वेराइटी, ये सारे दिखा रहे हैं पॉट भरा हुआ है, 4 वेराइटी ये सारे, ये 400 वाले हैं। तो आप लेके जा सकते हैं, पत्तियां तो बहुत खूबसूरत होती है, कम धूप वाले सारे प्लांट हैं। तो ये सारे 400 वाले हैं, ये भी 400 वाले हैं, ये भी 400 वाले हैं। तो जो प्लांट भरा हुआ है वो 400 में है, और उसके बाद इधर जो ये प्लांट है ये 350 वाले हैं, 350 वाले ये सारे कलथियाँ हैं। तो मैंने पूछा कि कम दाम वाला नहीं, तो उन्होंने बताया कि कम दाम वाला भी आया हुआ है जो कि 250 में है। और ये वाला प्लांट मुझे नहीं ना दिए, तो आइए 250 वाला भी देख लेते हैं कि उसकी क्या साइज है और कैसे पॉट में लगा हुआ है। और यही जो कलथिया है जो 400 में है उसके छोटे प्लांट आए हुए हैं, ऐसे नीचे से मल्टीप्लाई होके बहुत सारे ये बन जाते हैं।
तो ये जो देख रहे हैं वही जो 400 वाला का छोटा प्लांट है, छोटे से पॉट में लगा हुआ है। तो देखिए ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ये 250 में है और कोकोपीट में लगा हुआ है। तो इसे आप अगर छोटे पॉट वाला कम सस्ते दाम में ले जा सकते हैं तो ले जा सकते। ये देखिए ये कि ये है तो उसी के छोटे वेराइटी 250 में आई है 400 वाला। तो काफ़ी फ्रेश प्लांट है, हेल्दी प्लांट है। अगर प्लांट हेल्दी हो, ग्रोथ उसकी अच्छी हो तो बहुत जल्दी फैल जाती है। और ये भी है, कम से कम दो तीन प्लांट सभी में लगे हैं। 250 वाले में भी दो तीन प्लांट लगे हुए हैं, सब अरेलिया वगैरह है। चामुंडा पाम है, चामुंडा पाम 100 रुपीज़ में है। ये क्या लाए हो कमले? और देखिए ये मैं ये पॉट में 4-5 कलर के बता रहे थे, लीली लेके आए हैं, वाटर लीली और लोटस लेके आए हैं। तो पहले ये पॉट में डालेंगे फिर सेल करेंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो बहुत खुशी हुई क्योंकि और नर्सरियों में ऑनलाइन मंगाना पड़ता है हमें, वाटर लिली हुआ, लोटस किसी नर्सरी में मिलता नहीं है। और वाटर लिली तो बहुत जल्दी फैलता है, बहुत जल्दी ये इजी से ग्रो हो जाता है। बट कुछ वेराइटी ऐसी होती है जो कि कभी कभी ट्रैवलिंग करती है, कुछ बहुत भर भर के फूल देते हैं। तो उतना वाटर लिली के बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। और देखिए ये अपना सेटअप अभी कर ही रहे हैं, अभी पुराने कुछ कुछ जो पहले ये नर्सरी थी किसी की, पहले से बनी हुई थी, जो कि कमलेश ने फिर इसे अपने रेंट पर लिए, उनको लॉस हो गया था। तो फिर ये बहुत अच्छी जगह पर है, बिल्कुल मेन रोड पर है, ज़्यादा अंदर नहीं है, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, पार्किंग बहुत इजी से अंदर आप आ सकते हैं, बहुत बड़ी पार्किंग है। ऐसे तो बता रहे थे कि ट्रक भी आ जाती है अंदर, तो ज़रूर जाए। वैसे कमलेश नर्सरी के पास खूबसूरत कलेक्शन होता ही है, चार पाँच दिन बाद ऑनलाइन ऑर्डर भी शुरू कर देंगे। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।